So here is the final ball of the innings. They're 200 for three. And he goes down the ground. He's got all of it as well. Brilliant batting. Ooh. What a show. What a treat. How lucky have we been to witness that inning? That was an OP shot. Fantastic, yaar. OP matlab kya? OP matlab overpowered shot. KL Rahul, you are an OP. Overpower. So, Kian, which was your favorite moment of the match between Kings 11 Punjab and RCB? Mera favorite tha jab Virat Kohli na KL Rahul ka catch chhoda tha. Mujhse hansi hi nahi ruk rahi thi. Exactly, what a knock it was, Kian. और वो कैच दो ड्रो छोड़े क्या विराट ने, बड़े ही कीमती पड़ गए उन RCB के लिए. So friends, welcome to the IPL after party. आज हम लोग बात करेंगे KL Rahul की और दिल्ली taking on Chennai Super Kings today evening. और खास करके ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई की, जो हार चुकी है पिछली वाली मैच. तो क्या राहुल ने बता दिया टॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉस तो आरसीबी ने जीता था और किंग्स इलेवन को इनवाइट किया बैटिंग के लिए. तो विकेट्स कुछ भी हो, अगर आपके पास वो स्पेशल टैलेंट है, आप में दम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो क्या कैसा लगा आपको ये नॉक केएल राहुल का? आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. एग्जैक्टली क्या, एंड यू नो व्हाट, उसका जो 132 स्कोर किया था वो केम इन जस्ट 69 बॉल्स, कैन यू इमेजिन. और आज वो 2000 रन कंप्लीट कर दिए हैं और उसके अलावा वो हाईएस्ट स्कोरर हो गए इंडियन के हिसाब से. ही इज द हाईएस्ट स्कोरर एज फार एज एनी इंडियन इज कंसर्न इन अ सिंगल इनिंग्स. अगर ये नॉक डिस्क्राइब करें तो प्योर डोमिनेंस, शेयर डोमिनेंस है ये नॉक में, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े तुर्रम खान थे, एबी डिविलियर्स, आरसीबी के बहुत ही मजबूत बैट्समैन, विराट कोहली ऑफ कोर्स, एरन फिंच T20 स्पेशलिस्ट, लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट. तो क्या चाहिए आपके सामने, अगर आप उन सबको ओवर शैडो कर ले तो आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हो जाएंगे. तो वही राहुल ने साबित कर दिया. उसके अलावा इसको 7 sixes एंड 14 बाउंड्रीज, कैन यू इमेजिन, ही इज ऑलरेडी गॉट 2 इंटरनेशनल सेंचुरीज. तो क्या व्हाट अ नॉक इट वाज, आई रियली एंजॉयड. आपको भी मजा आया होगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, छक्के चौकों की बरसात. तो ये था पहला फैक्टर, मतलब केएल राहुल वाज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ आरसीबी विन. चाहते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ. मुझे लगता है वो दो ड्रॉप कैचेस जिसके ऊपर आप मजाक उड़ा रहे थे वो हो सकता है क्या. यस, सेकंड फैक्टर इज 2 ड्रॉप कैचेस ऑफ केएल राहुल बाय नन अदर देन विराट कोहली, कैप्टन. एक बहुत सेफ फील्डर माने जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कैच पकड़ना. इनफैक्ट बहुत ही सेफ फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इफ यू कैन से इन मॉडर्न डे क्रिकेट. मुझे तो हंसी छूट गई, बट उसके अलावा मुझे अफसोस हुआ. लाइटिंग वाज अनदर फैक्टर जिसकी वजह से वो इट माइट हैव अफेक्टेड हिज आईज कि ड्रॉप हुआ पहला वाला कैच अगर बोलेंगे तुम. तो आई वुड से द सेकंड फैक्टर अबाउट किंग्स इलेवन पंजाब विन वाज विराट कोहली 2 ड्रॉप कैचेस. ये तो RCB failed in every aspect of the game, चाहे आप bowling बोलो, batting बोलो या fielding बोलो, it was a complete overall failure. Third factor पे वो है इन दोनों की partnership. KL Rahul of course started well along with Mayank Agarwal who was in form. पिछली मैच में आपने देखा किस तरह से मैच निकाला उन्होंने और टाई कराया किंग्स इलेवन पंजाब को दिल्ली के अगेंस्ट. 80 रन मारे वो पिछली मैच में और ये मैच में 57 की दोनों की पार्टनरशिप हो गई, मगर अफसोस वो जल्दी चले गए. स्पेशली अगर आपके पास अनिल कुंबले जैसे कोच है तो क्या लगता है आपको, बहुत कुछ सीखा होगा उन दोनों लेग स्पिनर्स ने. सुपर वैरायटी थी उनके पास, गुगलीज बोलिए या लेग स्पिन बोलिए और जूटर या फ्लिपर बोलिए, हर चीज उन्होंने दिखाई और दोनों ने 3-3 विकेट चटके. तो बहुत मजा आया उनकी बॉलिंग भी देखकर, जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब ने 97 रन की विक्ट्री हासिल की आरसीबी के ऊपर. तो क्या चले आते हैं प्रीव्यू पर, दिल्ली टेकिंग ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है. क्या लगता है आपको, ये बड़ा मजेदार मैच होगा? यंगस्टर्स है दिल्ली में,
और वेटरन्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। ऑफ कोर्स कैन, इट्स गोना बी वन हेल ऑफ अ मैच, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यंगस्टर्स जो रुकी जो नए नए यंगस्टर्स आए खिलाड़ी श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और ऋषभ पंत या आप बोलेंगे पृथ्वी शॉ जैसे यंग बल्लेबाज, ऑफ कोर्स दे हैव शिखर धवन सम एक्सपीरियंस इन देम, और सामने है चेन्नई सुपर किंग्स देमसेल्व्स आर वेटरन्स, दे हैव सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स, तो क्या जुगलबंदी होगी आपस में, क्या गेम होगा, मजा आएगा, एक्सपीरियंस जीतेगा या यंग जो फॉर्मेट है यंगस्टर्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स। मगर उसके अलावा देखेंगे अगर टीम नीड्स पे आएंगे तो दोनों ही टीम मुझे लगता नहीं है कोई भी चेंजेस लाएगी अपने 11 में, तो आप बेफिक्र रहिए शायद कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे। और क्या आपको पता है अभी तक 21 मैच में 15 मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है और 6 मैच सिर्फ डीसी जीती है, यानी दिल्ली कैपिटल्स, तो आप समझ सकते हैं किसका पल्ला भारी रहेगा। और चेन्नई पिछली मैच में हारने के बाद थोड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए, बट साइकोलॉजिकली दे आर वेरी स्ट्रांग एज वेल एज एक्सपीरियंस। चलो क्या नाते हैं विकेट पे, पिच मुझे लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आज राहुल ने बता दिया कि आपके पास अगर स्पेशल टैलेंट है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी पिच हो, मगर ये पिच अबू धाबी में वैसी ही होने वाली जैसे पिछली पिच थी, स्लो होगी, जहाँ पर बॉलिंग साइड जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करने पर इनवाइट करेगा, और जो प्रेफर करेंगे जो टॉस जीतने वाले सेकंड फील्डिंग ही प्रेफर करेंगे क्योंकि ड्यू विल बी वन ऑफ द मेन फैक्टर। चलिए क्या बताइए की बैटल्स किसकी होगी आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है अंबाती रायडू और आर अश्विन। आर अश्विन, दैट्स अ गुड चॉइस, अंबाती रायडू इज इन गुड फॉर्म, मगर अगर वो फिट होंगे तो आ जाएंगे ये टीम में, पर मुझे ऐसा लगता है जडेजा और आपके जो श्रेयस अय्यर कैप्टन है दिल्ली कैपिटल्स के, बड़ा मजा आएगा उनको देखने के लिए, जिस तरह से जडेजा फॉर्म में नहीं लग रहे हैं मगर थोड़ा बहुत है उनका जलवा है, उनका एक्सपीरियंस है, और दूसरा श्रेयस अय्यर विल बी आउट देयर टू प्रूव हिमसेल्फ अगेन, बहुत ही हंगरी दिख रहे हैं और जिस तरह से स्टार्ट ले रहे हैं मुझे लगता है कि वो धमाका कुछ करेंगे। यहाँ आते हैं वॉचेबिलिटी क्वेश्चन पे, एक्सपीरियंस और यंग साइड के बीच में मैच है, आपको क्या लगता है क्या नंबर देंगे आप? मैं ये मैच को दूंगा 9। Again, no. I mean, this is an interesting number. You love 9 out of 10. आपको शायद marks मिलते होंगे school में 9 out of 10 या 10 out of 10 लेते आते होंगे, मगर मुझे लगता है ये interesting match है, मगर मैं दूंगा इसको 8। चलो गाइस, अगर आपको the IPL after party अच्छा लगा तो मैं और क्या request करेंगे आपको, like, share और subscribe करना मत भूलें हमारे channel the Sports Journalist को, क्योंकि हम ऐसे videos बहुत सारे लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमको दीजिए इजाजत, अलविदा।